हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। अभी फिर भाई आज अपन लोग कर रहे हैं अपनी बलेरो को लोड दहेज जाने के लिए फिर से टायर। अभी मैं दो दिन पहले परसों गया था मैं दहेज, चार गाड़ियों को टायर लगा के आया था, जिसकी जगह क्या है ये अपने बड़े बड़े टायर, ये गाड़ी में जो टायर थे फट गए थे, तो ये गाड़ी रस्ते में खड़ी हो गई थी तो इसको मैं टायर लगा के आया। अभी क्या है, अभी अपनी चार गाड़ी जो टेलर है ना, चार गाड़ी वो चारों के टायर खराब हो गए भाई। अब मैंने इस टाइम अपनी बलेरो ना पूरे तरीके भर ली, अभी मेरी बलेरो में आए आठ टायर, मैंने आठ टायर लाद लिया। आठ में से सारे आठों के आठों टायर जो लादे हैं ना, सब सादे रिमोट, मतलब सादे रिमोट छः टायर और दो टायर लादे रेडियल रिमोट, क्योंकि ये जितने टायर लेके जा रहा हूँ ना ये सब लगाने मेरे को गाड़ी 12 टायर और 14 टायर की गाड़ी में लिफ्ट में लगाने टायर, और बाकी जो मेरे जितने टेलर खड़े हैं ना वहाँ पे चार टेलर खड़े मेरे इस टाइम, चारों टेलर में ट्राली के टायर, मतलब एक एक दो दो, मतलब जोड़ा जोड़ा सबका ख़राब हो गया। एक गाड़ी के तो टायर फट गया, वो ड्राइवर का फ़ोन आया कि पानी में गाड़ी घुसी तो पत्थर के ऊपर चढ़ गई गाड़ी तो टायर फट गया, उसको भी देनी है एक जोड़ी। मतलब कुल मिला के मैं आज जितने टायर लेके जा रहा हूँ ना, आज मैं 22 टायर लेके जा रहा हूँ दहेज, 22 टायर दहेज लेके जा रहा हूँ। 22 में से 8 टायर रिमोट है और बाकी सब नए, क्योंकि जितनी मेरी चार जितनी वहाँ पे गाड़ी चलती है ना, जितनी के टायर ख़राब हैं सब के वहाँ पे टायर लगा के कंप्लीट करके फिर आऊँगा, क्योंकि इतना परेशान, वो भी परेशान है और हमें भी इतना परेशान कर रखा है ना बहुत ज़्यादा। एक बार टायर सब के लगा के क्लियर कर दूँगा तो किसी का फ़ोन नहीं आएगा मगजमारी के लिए कि भाई मेरा टायर ख़राब हो गया, मेरा टायर पंचर हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। क्लियर करने के लिए वहीं जा रहा हूँ। और अपनी वो वाली गाड़ी आई थी उसका आयल चेंज करना है, अभी मनोज भाई का बंदा आके आयल चेंज कर देगा। और दूसरा क्या है, मनोज भाई को भी लेके जा रहा हूँ साथ में दहेज। एक तो क्या है, सात गाड़ी खड़ी हैं तो सातों की सातों में सब चेक कर लेंगे, मतलब उसमें से क्या है ना, तीन गाड़ी जो हैं अपने तीन टेलर उनमें ब्रेक का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब ड्राइवरों का फ़ोन आया कि ब्रेक का इतना प्रॉब्लम है ना कि बेतुका, तो उसके लिए ड्राइवर ने बहुत परेशान कर रखा था ब्रेक के लिए। तो अभी मनोज भाई को भी लेके जा रहा हूँ, बोला है रैचिड ख़राब है, तो अभी रैचिड लेके जा रहा हूँ साथ में। यहाँ से दो गाड़ी के रैचिड भी लेके जा रहा हूँ और गेयर क्राउन का आयल वो भी लेके जा रहा हूँ, तो किसी में कोई दिक्कत होगी तो गेयर क्राउन का आयल भी उधर पूरा कर दूँगा। इंजन आयल तो मैं लेके गया था, अभी दो दिन पहले गया था दहेज तो इंजन आयल भी लेके गया था। तो कुल मिला के क्या है ना, आज पूरा काम उधर दहेज का ख़त्म करके आना है, क्योंकि रोड पे जो दिक्कत आती है, अगर ब्रेक नहीं लगेगी तो ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को ब्रेक की हो रही है वहाँ पे, क्योंकि ड्राइवर एक बोला है साबा भाई मैं बच गया, ब्रेक ही नहीं लगी गाड़ी की, मतलब कैसे बचा मुझे पता ही नहीं लगा, गाड़ी रुकी नहीं। कभी रैचिड वैचिड लेके जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है क्या समस्या, हल करके आता हूँ। और एक बंदा और है, जितने अपने भाई सिंगल मोटर मालिक हैं या जिनकी गाड़ी है और वो खुद गाड़ी चलाते हैं, तो उनको भाई टायर रिमोट लगाने बहुत ज़रूरी हैं और करवाने चाहिए और लगाने चाहिए। इसलिए अगर मानो आपके पास 14 टायर गाड़ी है और 12 टायर गाड़ी है, 12 टायर और 14 टायर गाड़ी के अंदर आप मानो आपके पास टैंकर है, कई टैंकर के अंदर ना माल केमिकल बहुत हल्का आता है, जैसे 29 केल की गाड़ी हुई ना उसमें 24 टन ही आएगा वजन, हमारे पास है गाड़ी जैसे OX है, OX क्या होता है, टंकी 29 केल है पर उसमें माल 24 टन ही आता है, तो उस जगह पे अपने रिमोट टायर चल जाते हैं। लिफ्ट एक्सल में रिमोट टायर बहुत अच्छा चलता है, और ट्राले में आगे की साइड लिफ्ट में लगाते हैं ना सबसे फ्रंट में, तो भी बहुत अच्छा चलता है, तो उसमें क्या अपनी बहुत बचत हो जाती है अगर टायर अच्छा रिमोट हुआ हो। बल्कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नॉन गारंटी वाला टायर रिमोट नहीं करवाते, ये गारंटी वाले टायर ही रिमोट होते हैं, मतलब जिसमें एयर नहीं है, कट नहीं है, कहीं से धागा नहीं निकला, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ही वो टायर रिमोट कराएंगे, दूसरा टायर हम रिमोट करवाते ही नहीं है। तो यार ज़्यादातर हम टायर लगाते हैं जो रिमोट, वो लिफ्ट एक्सल में लगाते हैं, फ्री एक्सल में, लिफ्ट एक्सल में या सबसे पीछे डंडे में, बाकी और कहीं नहीं। और या फिर लगाते हैं गैस वाली टंकी, ये अभी ट्रिपल एक्सल गाड़ी है ना अपनी, ये गैस का टैंकर है, ट्रिपल एक्सल है, इसमें क्या करते हैं पीछे के दोनों एक्सलों के अंदर पूरे टायर नए मिलेंगे, सिर्फ एक जोड़ी या दो जोड़ी टायर रिमोट लगाएंगे, वो भी आगे वाले एक्सल में, नहीं तो बाकी सब नए, ज़्यादातर पूरे नए। तो उसमें क्या, गैस वाली गाड़ी के अंदर क्या होता है, टायर पे इतनी मार नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्या है, टंकी आउट नहीं होती, इस वजह से वो टायर सर्वाइव करते हैं रिमोट टायर इस गाड़ी के अंदर, पर पूरे नहीं, सिर्फ दो या चार, उससे ज़्यादा नहीं।
और वो बाकी के सब पीछे के नए टायर, और हमारी गाड़ी में दो टायर हम सिर्फ लगाते हैं रिमोट, एक जोड़ी रिमोट, बाकी टोटल नहीं। 14 टायर गाड़ी के अंदर लगाते हैं लिफ्ट में रिमोट टायर, बाकी टोटल नहीं। पीछे चलो माल हल्का हो तो एक जोड़ी रिमोट भी लगा देते हैं, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करके लगाते रहते हैं, क्योंकि भाई टायरों का खर्चा इतना है। सबसे महंगा अगर कोई सामान मांगा जब माना जाता है ना, वो टायर सबसे महंगा, टायर से महंगा कुछ है ही नहीं, सबसे महंगा ही टायर है। अभी इस बंदे ने रोड के बीचों बीच गाड़ी खड़ी कर दी। ओ भाई ओए, ड्राइवर है ना, इसने दारू पी रखी है फुल, फुल पी के दारू पी के इस टाइम बैठा है, और ये मारेगा किसी ना किसी में। पता है दारू पी के इतनी, इतना बड़ा टेलर लेके चल रहा है दारू पी के, सबसे बड़ा मरने का दिन ना ये होता है, दारू पी के गाड़ी चला रहा है। कोई भी ड्राइवर, कोई भी आदमी, भाई दारू पी के गाड़ी मत चलाओ। अगर गाड़ी दारू पी के चला रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि गाड़ी छोड़ेगी, खुद तो मरोगे मरोगे, लोगों को भी साथ में लेके मरोगे, और गाड़ी घोड़ा बन जाता है। ये बात हमेशा हर ड्राइवर, हर आदमी ये बात याद रखना, गाड़ी एक्सीडेंट होगी ना तो गाड़ी बन जाएगी, पर ड्राइवर कभी नहीं बनेगा। ड्राइवर की टांगे टूट गई तो कभी नहीं बनेगी, और गाड़ी लोहा ऐसी चीज है, उसको मार छेद के सीधा कर लेंगे। हम हमेशा यही बोलते हैं, हमारी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो ड्राइवर को बोलते हैं, भाई तू बच जा, गाड़ी ना, गाड़ी का तो इंश्योरेंस है भाई, जगह पे नई आ जाएगी, दो मिनट में नई खड़ी हो जाएगी। अभी वो बंदे ने दारू पी रखी है फुल, टल्ली है वो बंदा, एकदम दारू पी के गाड़ी चला रहा है, पूरी दारू पी रखी है फुल एकदम। बताओ दारू पी के गाड़ी चलानी चाहिए? दारू पी के गाड़ी चला रहा है, इतना बड़ा टेलर चला रहा है दारू पी के, इतना बड़ा टेलर है। अभी बताओ क्या मतलब, क्या बोले आदमी। मैं आ गया था रनौली सुरजीत सेठ की स्पेयर पार्ट की दुकान पे, ये अपने सुरजीत सेठ है, इनके पास से अपना टोटल स्पेयर पार्ट आता है सारा का सारा। तो अभी मैंने क्या किया, इनके पास से जो सामान लेना था गाड़ियों का ले लिया सारा, रैचिट लेने थे दो गाड़ियों के, रैचिट भी ले लिए, उनका जो मतलब वहां पे एक गाड़ी का स्टीयरिंग ऑयल का प्रॉब्लम था, स्टीयरिंग ऑयल भी ले लिया, ब्रेक पेडल वाल का प्रॉब्लम था वो भी ले लिया, और मतलब काफी तीन चार गाड़ियों में काफी दिक्कत थी। एक गाड़ी का क्या था ना, ब्रेक बूस्टर ही टूट गए थे, स्प्रिंग टूट गए थे, तो दो मैंने ब्रेक बूस्टर भी ले लिए, और डायफ्राम रबड़ जो ब्रेक मारते हैं, एक डायफ्राम रबड़ आती है वो भी मैंने ले लिए। तो क्या है, अगर कभी कभी क्या होता है, ड्राइवर क्या करता है, बूस्टर खोल देता है, ट्राले का बूस्टर में अंदर आता है डायफ्राम, अगर डायफ्राम रबड़ फट गया तो क्या करता है, पाइप को काट के निकाल के मरोड़ के बंद कर देता है और चला जाता है। तो अभी उसमें क्या है कि वो जो पहला ड्राइवर था वो चला रहा था, पर दूसरा ड्राइवर आया ना तो उसने बताया कि इसका दो बूस्टर बंद है पीछे से, बूस्टर में क्या पाइप ही नहीं है। तो अभी मैं मतलब बूस्टर भी ले लिया, सामान सारा ही ले लिया, अभी वहां पहुंचते हैं दहेज, लेट हो गए पर जितनी जल्दी पहुंचा जाए उतनी जल्दी पहुंच के टायर वायर दे के काम वाम करके वापिस आना है, मतलब रात तो हो ही जाएगी, 10-11 तो बजने मुझे वहां पे, बट क्या है ना, एक बार 10-11 भले बज जाए वहां पे, एक बार काम हो जाए पूरा, और दोबारा फोन नहीं आना चाहिए, मगजमारी नहीं होनी चाहिए, बस इसलिए मैं पूरा ही काम खत्म करके आऊंगा। नहीं भी वापिस आया गया तो वहीं रुकूंगा, कल आऊंगा, बट काम खत्म करके आऊंगा, उनका पूरा ही काम खत्म करके। तो भाई हम लोग हैं इस टाइम नए वाले हाईवे पे, जो बना है दिल्ली टू मुंबई नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे, और ये ऐसा एक्सप्रेस वे बना है कि जिंदगी में ऐसा एक्सप्रेस वे मतलब हमने तो, मैंने तो नहीं देखा। मैं मतलब पहले के एक्सप्रेस वे अपने इधर गुजरात में बहुत हैं, एक अपना है मनोज भाई कौन सा वाला था, एक एक्सप्रेस वे ये था ना अपना अंकलेश्वर अहमदाबाद वाला, बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे, अगर उस एक्सप्रेस वे के ऊपर अगर हमने गाड़ी डाल दी ना, मतलब रोड के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग वाले जहां मर्जी छोड़ दो सीधा रहेगा एकदम, पानी का गिलास रख दो यहाँ पे, छलक एक बूंद अगर छलक जाए तो भाई बात है, और इतने साल पुराना रोड है वो, और ये इस रोड के ऊपर आप पानी का गिलास छोड़ो, बोतल रख दो, मेरी गाड़ी ये देखो पूरा स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है, कोई रोड एकदम घटिया रोड बनाया है, एकदम घटिया रोड, और इस रोड के ऊपर जितने एक्सीडेंट हुए ना, इतने तो भाई मैं कहता हूँ पुराने पे नहीं हुए, ट्रैफिक वाले रोड पे नहीं हुए जितने एक्सीडेंट हुए, लोगों की कारों के टायर फट गए यहाँ पे, ये पूरे देख, अभी तुम्हारे को रोड दिखाए जगह जगह खड्डे, वो देखो
अभी देखना वो सामने रोड बना रहे हैं। अभी ये रोड चालू नहीं हुआ है, अभी ये रोड चालू बिल्कुल नहीं हुआ है और खड्डे पड़ गए। वो देखो, ये देखो, इधर टूट गया, ये पूरा रोड टूट गया। ये ब्रिज है, छोटी पुलिया सारा बना रहे हैं। देखो ये देखो, टूट गया पूरा का पूरा। बताओ, मतलब कि अभी तक रोड चालू नहीं हुआ, खाली ये बड़ौदा से दहेज ब्रुज तक ये रोड थोड़ा चालू किया है, बाकी रोड चालू नहीं हुआ, रोड टूट भी गया। और एकदम घटिया रोड यार भाई, मतलब शब्द ही नहीं गए इतना। मेरे को लगता है इंजीनियर भी पैसा खा के, सब पैसा खा के बैठे। ऐसा रोड बनाया है, देखो ये देखो खड्डे, ये देखो खड्डे, देख रहे हो खड्डे कैसे पड़े हुए हैं। अगर आते हुए हम दिन में आए ना, तो मैं आपको खड्डे दिखाऊंगा इस रोड के ऊपर, या संडे के दिन स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे इस रोड के ऊपर। पर भाई खत्म रोड है, जो कोई भी इस रोड के ऊपर चढ़े नए वाले के ऊपर, तो इस बात का ध्यान रखना, अपनी जान सोच समझ के गाड़ी चलाना। अगर आपके साथ फैमिली है, घर परिवार है, बच्चों के साथ आ जा रहे हो, तो इस रोड के ऊपर बहुत समझदारी से गाड़ी चलाना, इसे एक्सप्रेस वे मत समझना। गांव बस्ती में जो रोड होते हैं ना खड्डे वाले, सेम वैसा रोड है। क्यों मनोज भाई, सही बात है ना, समझ लो। अगर आपने खाना खा लिया ना, तो इस रोड के ऊपर जब चढ़ोगे आपका खाना पच जाएगा पूरा। ये लो, ये सामने डल रही मिट्टी, ये हो रहा है देखो रोड का काम, देख रहे हो। ये लो जी, देखो ये लो, टूट गया रोड, सारा रोड टूट गया, सारा रोड, पूरा रोड टूट चुका है। एक भी बारिश खाया नहीं, और एक भी बारिश नहीं। कितनी बारिश पड़ी मनोज भाई अपने यहाँ? 3 दिन बारिश पड़ा, बस 3 दिन की बारिश में रोड खत्ता। आपको दिखा रहा हूँ भाई दहेज वाला रोड, ये दहेज का मेन हाईवे है, और इस हाईवे के ऊपर जो टोल टैक्स है ना, ये मतलब 60 किलोमीटर पड़ता है दहेज, यहाँ से 60 पड़ता है ना, 50-55 किलोमीटर पड़ता है ब्रुज से दहेज। और ये मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ दहेज का, जिसका टोल जितने ट्रक वाले ये सिर्फ कारें छोड़ के, प्राइवेट पासिंग छोड़ के, जो चार भैया मतलब फोर व्हीलर हो गई, कार हो गई, ये सब चीजें छोड़ के, जितनी बसें, जितने टेलर, ये देख रहे हो जितनी गाड़ियां जा रही हैं, सब टोल टैक्स देते हैं। 375 रुपए टोल है, 375 रुपए टोल है 50 किलोमीटर का। और तुम्हें मैं रोड दिखा रहा हूं, ये देखो खड्डे, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो उधर से जब आओगे ना वापिस, आते हुए तो तुम्हारे को रोड ही नहीं मिलेगा रास्ते पे, मतलब रोड पे चल रहे हो कि खेत में चल रहे हो ये पता ही नहीं लगेगा आप लोगों को। अभी तुम देखो आगे चल जाके दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखो ये रहा रोड, 370 रुपए टोल देते और ये हाल है रोड के। ये मैं आपको दहेज का रोड दिखा रहा हूँ, नेशनल हाईवे में आता है ये, गांव बस्ती वाला रोड नहीं है। इधर आगे अडानी पड़ता है, रिलायंस पड़ता है, और मल्टी माइज बड़ी बड़ी कंपनियां पड़ती हैं। ये देखो खड्डे, देख रहे हो, ये देखो खड्डे, अभी तो दुनिया मतलब टोल टैक्स पूरा दे ले ले रहे हैं, टोल टैक्स में कोई राहत नहीं। और रोड ये तो जाने का रोड है, क्योंकि इधर से क्या है गाड़ियां सबसे ज्यादा खाली गाड़ी आती है ना, इसलिए ये रोड इतना बचा हुआ है। आता हुआ मैं आपको रोड आते हुए भी दिखाऊंगा, ये तो जाने वाला रोड दिखा रहा हूँ। ये तो दहेज की साइड से अपन जा रहे हैं, मतलब ब्रुज से आ रहे हैं तो दहेज जा रहे हैं, तो रोड ऐसा है। अभी मैं उधर से आते हुए भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसा रोड है। ये गाड़ी अपनी चलती है हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखा, वसूखा, क्या हालत हुई पड़ी है, क्योंकि बारिश इतनी पड़ रही है ना, पूरा भरा पड़ा है मिट्टी मिट्टी, क्योंकि उधर की साइड गाड़ी जाती है ना, इतनी बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो इसका क्या टायर फट गया था, ये वाला मतलब लिफ्ट का टायर दूसरी गाड़ी का फट गया था, ये अपनी गाड़ी का टायर देकर आया है उस गाड़ी को, और उसका लेकर आया था, तो अभी इसको दे रहे टायर। बाकी इसके सारे टायर तो सही है, नया गाड़ी है, BS6 फेस टू। कब? अभी फिर आया था दाला बटन को ना। हाँ तो ये क्राउन के टायर पीछे कर दे और वो आगे कर दे, ठीक है। हाँ तो मनोज भाई चलो चले, और टायर कहाँ है वो फटा वाला? हाँ अभी चलने दे, इसको क्या करना है, उल्टा पलटी किया है इसको, पूल, पूल,
अब ये चलाते इतनी तेज है, एक तो गाड़ी इतनी भगाता है ना ये बहुत ज्यादा। विशाखा एक हैदराबाद विशाखा चलती है, उधर क्या घाट सेक्शन है पूरा का पूरा, और रास्ते रोड इस टाइम देख ही रहे हो रोड का क्या हालत है, पूरा रोड खत्म है। तो गाड़ी बेचारी क्या करे, रोड तो वैसे नहीं है, और गाड़ी और एक ये गाड़ी का बना के रखता है जहाज, इतना गाड़ी मत भगाया कर। पंडित बोल रहा है बहुत गाड़ी भगाता है वो, तेरा पंडित ही बोल रहा है। अभी इसके गाड़ी का टायर फट गया था एक रास्ते में, तो ये टायर उसको देकर आया। उसका टायर कहाँ है, टायर कहाँ है उसका? मनोज भाई रहने दो, रहने दो, उधर से निकाल दो, बैठ बीच में डाल दो। कौन सी गाड़ी का है? तो इसको क्या करना है, इसको लेके जाना है वहां पे, तो इसको रखो ऊपर। किसका टूप लंगोट? हाँ टूप लंगोट तेरे को दे देते, रुक जा, टूप लंगोट तेरे को तभी निकाल लेना चाहिए था पहले, अभी वो नीचे दबा हुआ है। हाँ तो टायर ऊपर कर इसको, अभी इस गाड़ी को टायर दे दिए, एक जोड़ी रिमोट, तो ये कंप्लीट हो गई। इसका जो काम था वो भी करवा दिया, अभी ये जा रही है, गाड़ी भरी है सिलवासा की, अभी ये जा रहा है, मतलब इसको दे दिया है अभी ये। इसकी गाड़ी को कोई टायर नहीं लगना, अब घोड़े में ट्राले में पूरे टायर नए कर दिए, एकदम नए पूरे कंप्लीट कर दिए। तो भाई पूरे पूरे गाड़ी के टायर खोल दिए सारे के सारे, अभी ये दो टायर फिट हो रहे हैं ना जेके के, ये हो रहे हैं अपने पल्लू के, इसके टायर ख़त्म हो गए थे पूरे के पूरे, मतलब ये जोड़ी है एकदम फ्रेश पूरी घिस गई टायर की जोड़ी, ये टायर पूरे ख़त्म हो गए। तो इसको एक जोड़ी दे, इस गाड़ी का सिर्फ एक जोड़ी टायर ख़राब था, पूरी गाड़ी में सिर्फ ये एक जोड़ी, तो यहाँ पे उसको नए लगा दिए पेटी पैक। तो पल्लू की इसकी गाड़ी क्या एकदम कंप्लीट हो गई। अभी ये जो टायर हैं, दो टायर जेके के, एक ये और एक इसके साथ का एक टायर कहाँ है वो रहा, ये दो टायर दिए अपने उधर की साइड जो बल्कर वाली गाड़ी है ना पीटीए वाली, उसको देना है एक टायर, वो देना है ट्यूबलेस। तू कहाँ गायब था? पानी पीने कितनी देर से? पानी पीने गया, मसाला। हाँ 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 15 मिनट हो गए, 15 मिनट वो जाके टायर रखवा के आ उधर कंटेनर में पानी पीता है। हाँ वही तो मैं बोल रहा, आधे घंटे में ही तो पिएगा। उधर जा, उधर टायर रखवा के आ जा, सब टायर छोड़ के आए उधर, वो सोनू भाई के। अरे उधर रखवा के आ पहले, बाद में बताता हूँ। हाँ पल्लू अपने टायरों की फोटो खींच, नंबर की, टायर नंबर, गाड़ी नंबर और किलोमीटर, तीनों चीज व्हाट्सअप कर दे मुझे। रख दिए टायर उधर। अभी क्या है, उसको भी टायर देना था एक जोड़ी रिमोट, उसको भी दे दिया। अभी बल्कर को दिया है एक एक जोड़ी सादा। अभी उसको क्या हुआ है ना, ये अपना बल्कर, ये क्या है? कभी कभी मनोज भाई काम कर रहे हैं, चेक किया मनोज भाई? अभी क्या है, ये टायर भी इसके एकदम कंप्लीट है, और यहाँ पे जो एक जोड़ी इसको देनी है ना वो दे रहे हैं नया, क्योंकि ये एक जोड़ी, एक टायर फूट गया था, एक टायर सही था, पर दोनों उतार दिए इसके और जोड़ी लगा दिया इधर नया, बाकी इसके टोटल नए। पर इस ड्राइवर ने क्या किया, घोड़े का टायर नहीं बताया, आगे का टायर का फोटो भेजा इसने, घोड़े के टायर का नहीं बताया। ये आगे का एकदम सही है, इसका आगे का ब्रेक पैडल वाल लीक था, वो नया डाल दिया। ये इस टायर में क्या एयर आ गई साइड में, तो ये टायर तो मैं लेके आया हूँ नया, बाकी इसकी ये जोड़ी भी बिल्कुल ख़राब थी, देखो मतलब चलेगी पर ख़त्म हो गई थी, इसने बताया ही नहीं। इस टायर के बारे में ड्राइवर ने बताया ही नहीं। अभी ये टायर है, ये टायर के ऊपर नक्शी है काफ़ी, तो अभी ये चलेगा, मतलब एक दो महीना चलेगा, तो अभी इसको चलने देंगे, बाकी सब नए कर दिए पूरे के पूरे। अभी इसका जो मनोज भाई प्रेशर का काम कर रहे हैं, इसका ब्रेक पैडल वाल भी लीक था, पीछे का जर्मनी वाल लीक था, सब काम कर रहे हैं मनोज भाई इसका, तो अभी धीरे धीरे कर देंगे। मनोज कितना काम हो गया मनोज भाई? मतलब जो चाचा वाला नहीं दे रहे थे मोटा वाला, वो साइज का अपना वाला लेन वाला पतला वाला। एक बार देखो तो सही, प्रेशर कहाँ से लीकेज है? गलत दबाते हैं, दबा के ऐसे रखते हैं तो नीचे से निकलता, तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं जान रूप में, क्योंकि इसका माप का जानेंगे तो सही है, माइलेज वाइलेज में भी सही है, अपने अल्टरेशन करते हैं तो उसमें माइलेज का इनका रहता है, वो लफड़ा होता है। फोटो ले लो एक बार, वही मैं बोलूँ, दूसरा भेज देंगे फिट करवा लेगा वो अपने आप। हाँ बस चेंज कर देंगे रैचेट, और रैचेट
और आगे का एक रैचेट इसका खराब था, बार्क बेंच का आगे का ये एक रैचेट खराब है, वो जरा चेक करो इसका। अभी ये वाली गाड़ी है ना, लाया अभी पल्लू टायर, फोटो खींच ली तूने, फोटो व्हाट्सअप करी। अभी क्या है, जितना सामान लेके बस हमारे से ना ये वाला क्लच सिलेंडर गलत आ गया, ये वाला जो ये वाला सिलेंडर है ना, मतलब आना लेके आना था टाटा टाइप, पर दुकान में वो सुरजीत सेठ के बंदे ने अपने को दे दिया लेलन टाइप, तो अभी ये लगेगा नहीं। बाकी ब्रेक पेडल वाल लग गया, रैचेट चेंज कर दिए। इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये गाड़ी का था अपनी का, इसके रैचेट ब्रेक ड्राइवर अब कोई ब्रेक ही नहीं लग रही, रैचेट भी काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब सारा देख लिया। अभी जो रैचेट खराब थे ना, रैचेट भी चेंज कर दिए इसके, और बूस्टर था बूस्टर भी चेंज कर दिया, जो था मतलब सब कर दिया इसका, कंप्लीट कर दिया एकदम। अभी सिर्फ प्रॉब्लम है टायर का, इसको एक जोड़ी दे दिया रिमोट यहाँ पे लगाने के लिए, और एक जोड़ी इसको देंगे नया, तो दो जोड़ी इसको टायर दे दिया। तो दवाई क्या होती है, देख दवाई यही होती है कि थोड़ा झटका पड़ा होगा हाथ पे और कुछ नहीं हुआ होगा, हाँ तो वही झटका पड़ा होगा उसकी वजह से ऐसे हुआ होगा। अभी तो पीछे वाला टायर खोल, इसके तो लग गए ना पल्लू के, पल्लू किलोमीटर गाड़ी अभी हटवाते, रुक जा अभी, अभी तू काम तो खत्म कर। हाँ क्या हुआ, पल्लू किधर है, अभी इसको हटवाते हैं, यही डाल दे गाड़ी, पहले उसको घुमाने दे ना परले वाले को गाड़ी, पहले उसको इधर करवा लेते हैं। हाँ तुम्हारा किधर कटा है, तो तू सीधा सीधा डाली इसके बगल में डाल देगा, उसको इधर कर देते। अभी भरी है गाड़ी तेरी, खाली करके आया, वो डीजल का दिक्कत पड़ेगा ना, 12 बजे तक मिलता है डीजल। अच्छा पंप पे 12 बजे के बाद बंद हो जाता है। हाँ तो कोई नहीं, पल्लू पल्लू किधर गया है, हाथ धोने गया होगा, ये गाड़ी हटवा दो पहले इसका काम। पल्लू अपनी वाली गाड़ी हटाना, रिवर्स कर दे पीछे उसको, रंधा वाली गाड़ी नहीं अपनी दूसरी वाली, उसको टायर लगाना है। क्या हुआ, हाँ कोई नहीं देख लो पहले आगे का ब्रेक देख लो उसका। अभी इसका कंप्लीट हो गया ना पूरा, इसका हो गया। रैचेट डाल दिया है, दोनों डाल दिया आगे का, तो अभी 10 दिन बाद बोले कर रहा। नहीं एक बार देख लो, 10 दिन बाद का अपने को रोड़ा रखना ही नहीं है। ब्रेक की वजह से तो मेन प्रॉब्लम थी, ब्रेक का तो रोना था इनका पहले से, ये बोला मेरी राइट खींच जाती है लेफ्ट खींच जाती है, मैं भाई तेरी खींचेगी नहीं, मैं लेके आता हूँ अभी, चेक कर लेना एक बार आगे पीछे पूरा मनोज भाई एक बार सारा। अभी क्या मनोज भाई ने आगे के क्या है ना, इस गाड़ी के दोनों रैचेट नए डाल दिए आगे के दोनों के दोनों, क्योंकि अपना ड्राइवर का कहना ये था कि ब्रेक मारता है ना तो राइट खींचती है लेफ्ट खींचती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो अभी इसको आगे के दोनों रैचेट नए डाल दिए। बाकी पीछे के मनोज भाई ने पूरे के पूरे चेक किए हैं, सही हैं, पर बाकी एक बार और वो कर लेता है तसल्ली से, प्रेशर वेशर भर के तो एक बार चेक कर लेगा पूरा। टायर लग गया उधर का, अभी इसकी गाड़ी का इधर का एक मतलब टायर तो अभी इसके मतलब एक आध महीने बाद, 2 महीने कम से कम ये टायर भी घिसेगा, और उधर का भी घिसेगा, बीच वाला भी, बीच वाला तो 1 महीना ही चलेगा, 3-4 चक्कर मारेगा ये बीच वाला टायर, इसका गंजा हो जाएगा ये वाला टायर। तब तक कोशिश करेंगे इसको लेके, मतलब सोच रहे हैं कि अगर ज़्यादा ये 2 टायर ख़त्म हो जाएंगे और यूरिया में ज़्यादा, पर इसके गाड़ी क्या है ना, यूरिया नहीं खा रही, मतलब यूरिया नहीं खा रही, यूरिया ना खाने की वजह से ना खिंचाई नहीं कर रही, डीजल बहुत खा रही है ये गाड़ी। फिलहाल तो मैंने काम अभी कर दिया है, अगर अभी सही हो जाए तो हो जाए, ना सही हुई तो ये गाड़ी को बड़ौदा मंगाना पड़ेगा वापस, तो फिर इसको मंगाएंगे बड़ौदा मंगा के फिर इसका काम करवाना पड़ेगा अपने को तसल्ली से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने 8-9 महीना पहले ये गाड़ी बड़ौदा मंगाई थी, तब से काम करके भेजा है, उसके बाद सिर्फ एक बार मैंने कंपनी में ऑयल चेंज करवाया ये गाड़ी का, उसके बाद नहीं कराया। अभी गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है ना, तो काम क्या निकालती रहती है गाड़ी, जितनी पुरानी होती जाएगी उतना काम वो निकालती जाएगी। पर भारत बेंच उस मामले में भारत बेंच सही है, ये लोग खराब है क्या ऊपर का, तो करवा ले उसको टायर लगाने। मनोज भाई इसका भी देख लो, पल्लू क्या बोल रहा है। अभी फिलहाल क्या है, इस गाड़ी के अंदर बहुत काम है, इस गाड़ी के अंदर ना इतना काम है कि मतलब ये देख रहे हो, ये अपनी पिन, ये देखो ये पिन बुश कहाँ जा रही है, पिन पूरी पिन कट गई है, मतलब बची है पर ये पूरी घिस गई पिन, मुर्गा भी घिस गया अंदर से, बुश भी घिस गया, इसका अपने को काम करवाना पड़ेगा। ये टायर इसके गाड़ी के सही है,
और ये टायर मैंने उतार दिए इसके, ये टायर क्या पूरा धागे पे आ गया, तो इसको निकाल के अपन चेंज कर देंगे, नया डाल देंगे, तो इधर क्या पूरे सही हो जाएंगे। उधर की साइड आपने एक एक जोड़ी टायर रिमोट लगा दिए, ये अभी चलेगा। यहाँ पे एक जोड़ी रिमोट, ये भी पिन गई है, ये भी पिन पूरी की पूरी घिस गई इसकी, तो इसका क्या मुर्गे का काम अपने को पूरा करवाना पड़ेगा मंगा के। बट अभी ये भी पूरी, ये देखो यहाँ से कितना गायब है, पूरा गायब है अंदर, मतलब मुर्गे का बुश खत्म हो गया, पिन सही है पर मुर्गे का बुश खत्म हो गया पूरा का पूरा। वो गरम में वो नहीं है, वो लाइनर का प्रॉब्लम है, तो बाकी तेरे को आगे पीछे तक सब सही कर दिया। और तेरे घोड़े में ब्रेक नहीं लग रही थी, तू बोला ट्राले में नहीं लग रही, इसमें भी कम लग रहा है, इसमें तो लगता नहीं था, इसमें वो भी एबीएस ओबीएस निकल गया है उतार, एबीएस से एबीएस वो सिस्टम उतने पे ही रहता है, अभी वो वायर लगा देगा मनोज भाई। बट तेरे घोड़े में प्रॉब्लम थी, ट्राले में दिक्कत नहीं थी, और तू बोल रहा है मेरा ट्राले में ब्रेक नहीं लग रही, ट्राले में नहीं लग रही। वाह शाबाश तेरे, हाँ वाह गजब के ड्राइवर हो तुम, वही हाल नहीं, मैं तेरे को तभी बोला मैं ट्राले में ब्रेक ना लग रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर घोड़े में ब्रेक लगेगी ना और ट्राले में नहीं लगेगी तो भी तेरी गाड़ी जगह पे खड़ी हो जाएगी, अगर घोड़े में नहीं लगेगी ट्राले में लगेगी तो तेरा गाड़ी नहीं खड़ा होगा। ऐसी एक ड्राइवर अपना एक और था, वो बोला मेरी BS6 गाड़ी बोला झटका मार रही है, कछुआ झटका मार रहा है, तो उसने क्या किया सेटिंग वाला बोल्ट आता है ना उसको पूरा टाइट कर रखा था, मैं ये क्या कर रहा है, अजगर को बुलाया, अजगर बोला इसको टाइट नहीं किया जाता बाहर किया जाता है, तो अजगर को क्या बोलते बंदा अपना ड्राइवर, बोला तू चूतिया है तू पागल है, मैं उसको बोला मैं तू इंजीनियर है कि ये इंजीनियर है, बोला उस्ताद अब मैं तेरे को करके दिखाता हूँ। फिर उसने अजगर ने उसके सामने उसको ढीला किया, तो जितना ढीला करता गया लोक उतना अंदर जाता गया, अभी बोल जब उसको मैं टाइट कर दूंगा तो लोक तो पूरा अंदर जाएगा ही नहीं, तो प्ले हो जाएगी तो झटका तो मारेगी, और जब इसको ढीला करूंगा पूरा लोक अंदर जाएगा तो झटका कैसे मारेगी। बोला हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ से पता चलता है समझदार ड्राइवर और गधे का। बड़ौदा क्या है इसका पूरा मुर्गा, सारे तीनों चारों मुर्गों का काम है ये, ड्राइवर बोला नहीं था, ड्राइवर को बोला था करवाने के लिए, वो हमसे बोला कि मैं बताया था, वो क्या हुआ था कंपनी में गाड़ी भेजी काम के लिए, पूरा काम करवाया कंपनी में उसने, पूरा दिन गया, तो उससे जब पूछा मेरे पास रिकॉर्डिंग है आज भी कि मैं ट्राले में काम है, बोले ट्राले में साहब भाई कोई काम नहीं है, अगर ट्राले में काम होता जब अपने को पता है ट्राले में काम है तो मैं ट्राला अजगर के पास छोटा करवा के घोड़ा कंपनी में छोड़ आते जाके, घोड़े का काम वो लोग कर देते, अजगर के पास खाली टायर खोल के देना था ना, मुर्गा वो लोग बना देते, वो जानबूझ के नहीं करा, मैं उससे पूछा उधर ही जब तेरा फोन आया मैं उधर ही था, बोला मैं नहीं बोला, अब मैं जब वो गाड़ी पकड़ा तो बोलता है कि वो सही ना हो तो तू अपना गाड़ी ले ले मेरे को उसको दे दे, तो मैं बोला ले ले, फिर मेरे बोलता काम तो कराना चाहिए, बोले मैं गया था बाराबंकी से आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, मैं तू कब बोला, बोला नहीं मैं नहीं बोला, बोला कि मैं बोला था, बोले एक चक्कर बात कराऊंगा, काम तो कराना चाहिए गाड़ी का, वो बोला मैं बोला है, बोला मैं नहीं बोला उसको कुछ भी, सब सही है, ये हाल है ड्राइवर के। चलो भाई किसने मार दी, किसने ठोक दी, डीटीसी वाला, ना ना डीटीसी वाला है, एमएजी का डीटीसी का, वो तो मनोज भाई इसका ना काम है पूरा गाड़ी का, ये तो वो तो रगड़ ही रहा है ठीक है, बट इसका क्या है ना अपने को ट्राले का भी काम है इसका, वो तो रगड़ रहा है वो बात बराबर है, ये मरगाट भी चेंज होने वाले हैं इसके, तो ये क्या है ना वो आगे का मरगाट भी टूट गया, तो अभी क्या है अपनी एक गाड़ी है 8106 वो आ रही है ऑफिस पे, उसकी चेसिस क्रैक हो गई आगे से, वो बम्बे की भर्ती थी, तो वो गाड़ी आ जाए उसका काम हो जाए फिर 10-15 दिन बाद इसको मंगाएंगे, अभी चक्कर है मार ले। इसका क्या है ना ये पिन बुश ये पूरा कट गया और ये भी पूरा बैठ गया, मुर्गा नहीं मतलब मुर्गा बैठा है, मुर्गा बैठा है, पिन नहीं बैठी, पिन अपनी जगह सही है, खाली बुश अंदर से गया है, तो अभी क्या है ना अभी तो 8106 को आने दे पहले, वो काम करवा लेगा, फिर उसके 10-15 दिन बाद एडजस्टमेंट करके मैं तुझे बुला लेगा, आप बताओगे फिर बुला के मैं
करवा के एक बार पूरा ही काम करवा के भेजेगा। ठीक है अभी जा खाली कर। हाँ अभी इसका भी भाई काम खत्म हो गया, जो टायर वायर देना दे दिया। अभी इसको क्या है ना, इसको बड़ौदा मंगाना पड़ेगा गाड़ी को स्पेशल, इसमें बहुत काम है। अपनी गाड़ी के क्या पीछे के मुर्गे पूरे घिस गए, टायर भी लगने वाले हैं, फिर घोड़े का भी मरघाट टूट गया इसका सारा, ये घोड़े का पूरा मरघाट टूट गया, ये है ही नहीं उधर का, मतलब चारों मरघाट लगेंगे इसको नए, मतलब बहुत काम है इस गाड़ी में। इसको मंगाना तो पड़ेगा ही बड़ौदा, बट अभी क्या है ना, अभी एक गाड़ी को मंगाया है तो ये पहले एक दो चक्कर मारे आराम आराम से, फिर इसको बुला के उसके बाद इसको काम करवाएंगे, मतलब अभी 15-20 दिन बाद इसको बुलाएंगे, क्योंकि अभी मैं उतना काम मैंने कर दिया है कि 15-20 दिन इसको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ब्रेकों का मेन था, सबसे बड़ा मेन काम था इसमें ब्रेक का, तो ब्रेक का पूरा काम करवा दिया इस गाड़ी का, मेन काम ब्रेक की वजह से ही आए थे। बाकी इसको बुलाना तो पड़ेगा ही ऑफिस पे, क्योंकि मुर्गे पूरे ही काम, सस्पेंशन का पूरा काम करवाना पड़ेगा और घोड़े का भी पूरा काम करवाना पड़ेगा। बट एक बार काम हो जाएगा तो बाद में घोड़े की तरफ देखने की जरूरत नहीं, अपनी गाड़ी एकदम कंप्लीट हो जाएगी, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। चल ठीक है, चलो भाई ठंडा ले आए सेवन अप। चल पल्लू, अभी ये गाड़ी का भी काम खत्म हो गया पूरा, मतलब सारा करवा दिया इसका। अभी इसका यूरिया का प्रॉब्लम है मेन, अभी मतलब तीन काम इस गाड़ी के पेंडिंग बच गए, तीन काम अभी इसके बचे हैं, अभी तीन काम करेंगे। यार इनसे मिलो, ये करते रहते हैं भाई आजकल, अपनी सहेली से बात कर रहे हैं, सहेली से बात कर रहा है बंदा सहेली से, तब देखेंगे फिर बाद में। अभी जा खा, भर भर के खाली कर अभी इसको, है ये टायर देना था भाई आगे का, एक ट्यूबलेस टायर दे दिया, ये वाला चारू ना 19 नंबर का भेज देना, ओके टायर उधर और बाकी सब ढीला ही गिर गया। ठीक है अभी इस गाड़ी का भी काम कंप्लीट हो गया, बस इसका बचा है अभी यूरिया का, डीजल पाइप, मतलब कंपनी का काम बचा है, बाकी सब कर दिया अभी, मतलब अपनी इतना काम हो गया, टाइम हो गया है जी। चाबी उसको दे दे अन्ना को, 10 बजे निकल रहे हैं उधर से। अरे अन्ना को दो चाबी यार, तुम दोनों के दोनों, फिर तू लेके ना भाग जाए कंटेनर की। और वो चाबी कहाँ है, वो दूसरी वाली चाबी जो तू लेके पहुंच गया था उधर, चलो मनोज भाई चलो ए, पल्लो चल क्या ए, वो चाबियां लेके आ था, नहीं ड्राइवर कौन ड्राइवर है, चलो पल्लो। लो भाई मनोज भाई को भी छोड़ दिया और अपनी ब्लेरो का सामान भी खाली कर दिया, ऑफिस पे पूरे टायर उतार दिए और जो टायर दूसरी वाली जीप में मैंने लोड किए थे 7-8 टायर, वो भी बंदा लेके पहुंच गया है, सुबह छोड़ेगा और बाकी पूरा काम हमने कर दिया अपना खत्म। और आज 12 बज चुके हैं, पूरे नेट 12 बजे हैं और मेरे को 5 मिनट लगेंगे यहाँ से घर पहुंचने में। और कल मिलेंगे भाई नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त। सेफ्टी से चलिए, सेफ्टी से ध्यान रखिए, तो तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, वालेकुम सलाम और राम राम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।